नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं अमला रावत जो ग्राम बुरासवा से हैं, लेकिन यहाँ पे कुनाव डांडा में जो है आप रेजिडेंस बना रही हैं। अमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस जौनसार बावर भ्रमण जो क्षेत्र का कार्यक्रम है उसमें। अमला जी, मैं अभी यहाँ पे पुरोड़ी में हूँ, क्या बोलते हैं, PWD गेस्ट हाउस के पास, जो ये पीछे रोड जो हयो टगरी की तरफ जाता है वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। दोस्तों, आपके पीछे मैं बहुत सारा कूड़े का अंबार देख रहा हूँ। मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये आप जो देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसको दिखाता हूँ मैं। और नीचे देखिए कितना खूबसूरत जंगल है, ये देखिए बहुत खूबसूरत जंगल है। अमला जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये जो कूड़ा है ये कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? देखिए, इसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग अपने घरों से कूड़ा लाके यहाँ डाल देते हैं। और ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि गंदगी यहाँ हो रही है और यहाँ पे लोगों के, स्थानीय लोगों के पशु चुगते हैं, तो वो गाय भी इधर चुगती है, वो प्लास्टिक भी खा रही है। नीचे फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट का जो पूरा एरिया है वो सारा ही मतलब इतना कूड़े से भरा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप इससे नीचे और जाके देखोगे तो बहुत नीचे तक कूड़ा पहुंचा हुआ है। ये तो सिर्फ आपको सामने दिख रहा है, अच्छा, लेकिन इससे नीचे भी बहुत कूड़ा गया हुआ है। पॉलीथीन इतना इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। रैपर्स आ रहे हैं, जैसे आपका चिप्स का पैकेट है, आपका क्या कहते हैं, आपको ये मोमोज खा रहे हैं यहाँ पे, तो लोग पॉलीथीन में पैक करके लाते हैं, यहाँ बैठ के खाएंगे और यहीं नीचे फेंक देते हैं। फिर रही यहाँ के लोगों की बात, स्थानीय लोग जो यहाँ के जो रह रहे हैं मार्केट में, वो लोग भी ऐसे करते हैं कि अपने घरों से कूड़ा लाते हैं और यहाँ फेंक देते हैं, लेकिन इनकी भी एक मजबूरी है कि रहते तो हैं ही, लेकिन कूड़ा कहाँ लेके जाएंगे, तो इनके लिए भी एक मजबूरी है कि यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन कुछ इनको समझ भी रखनी पड़ेगी कि भाई हमें कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इसका एक प्रॉपर एक जगह पर रखें, या तो इसको जलाया जाए या फिर इसका कुछ और समाधान निकालना चाहिए हमें। अमला जी, जलाने की आपने बात करी है, और जलाने से भी तो कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण हो रहा है, होता है प्लास्टिक को जलाने से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो फॉरेस्ट यहाँ पर है, जो जंगल है नीचे, अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल, मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास करूँगा। ये कौन सा गांव है, छोटो गांव है शायद, हाँ जी, जो नीचे है, और ये जंगल है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर कूड़ा दिखेगा आपको तो बिल्कुल, आप नीचे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जो है प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। ये उड़ के जो है काफ़ी और जगह भी चला जाता होगा यहाँ पे, तमाम जो है जी बिल्कुल। देखिए, उस तरफ से भी कूड़ा बिल्कुल फॉर ये जो PWD का गेस्ट हाउस है, उड़ के यहाँ आ जाता है, जो सड़क का जो कूड़ा है वो सारा यहाँ उड़ के आ जाता है। और जो यहाँ का कूड़ा है, क्योंकि यहाँ हवा इतनी तेज़ चलती है कि इधर उधर का कूड़ा भी यहीं जमा हो जाता है, आप एक दिन साफ करो दूसरे दिन यहाँ ढेर लग जाता है। लेकिन अभी ये हो रखा है कि ये कूड़े को अगर हम यहाँ भी फेंक रहे तो ये उड़ के फिर वापस यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पे समस्या ये है कि दोस्तों, कि कूड़ा निस्तारण की जो समस्या सबसे, इसे ले जाएं कहाँ ले जाएं, मतलब इनके बातों से मुझे ये लग रहा है कि लोग घर तो अपना साफ करें लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति को जो है नुकसान पहुँचा रहे। लेकिन समस्या ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो बॉटल्स हैं, बियर बॉटल्स है, और जो है दारू की बोतलें हैं, रैपर्स बहुत ज़्यादा हैं, तादाद में हैं, लोग उठा के फेंक देते हैं यहाँ पर। ये जो कूड़ा है यहाँ पर, पर्यटक इसमें कितना जिम्मेवार है? देखिए, पर्यटक भी ज़िम्मेदार हैं और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है, क्योंकि पर्यटक लोग जब यहाँ पे आते हैं तो अधिकतर शाम के टाइम में ये लोग अपना चिप्स और बियर की बॉटल और अपना ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, सब लोग अलग अलग जगह जाके बैठ के वहाँ पे खाते हैं, पीते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं कूड़ा यहाँ पे नहीं। आप ऊपर का जो ये एरिया, जो ठंडाना जो एरिया है, इधर भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ पर्यटक तो बहुत समझदार लोग हैं, कि मैंने देखा है कि पर्यटक लोग, कुछ दो लड़के थे वो लोग घूमने गए, लेकिन आते हुए वो बोरी भर के वहाँ से बॉटल लेके आए, जो बियर की बॉटल है और बिस्लरी की बॉटल है, आपका कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, वो लोग उठाते हुए लेके आए, रैपर्स उठा के लेके आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उड़दंगी लोग हैं, वो लोग यहाँ पे इतना गंदगी फैला के जाते हैं कि मतलब आप सड़क में देखोगे तो चकराता जैसा सुंदर जगह मैंने कहीं देखा नहीं। ये भी एक अपने आप में एक स्वर्ग है जी।
जी ये कूड़ा निस्तारण के लिए बनाया गया है ये जगह, यहाँ के लोगों ने ही बनाई थी। और कहा गया कि देखिए, क्योंकि छोटो जो गांव है नीचे, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप लोग कूड़ा नीचे मत फेंकिए, हमारा पूरा जंगल खराब हो रहा है, हमारा हमें हमारे पशु यहाँ चुगते हैं तो वो खाते हैं। लेकिन फिर इन यहाँ के लोगों ने ये गड्ढा यहाँ खोदा और यहाँ पे सब लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू किया। अब लेकिन ये जगह भी गलत है क्योंकि यहाँ पे तमाम गाय बकरियाँ पशु कूड़ा खाने आती है और ना जाने कितना प्लास्टिक को खा जाते होंगे। देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तादाद है वो कोल्ड ड्रिंक के बॉटलों की और बियर कैंस की है, और जो प्लास्टिक है यहाँ पे उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में है। ये तो मेरा शासन प्रशासन से और स्थानीय लोगों से अनुरोध है कि इस तरीके इसको जो है प्रॉपर निस्तारण की जो है व्यवस्था बनाई जाए, तभी इसका जो है समाधान हो सकता है, नहीं तो ये और भी फैलेगा। तो अमला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब दिखाने के लिए। चकराता में ऐसी काफ़ी सारी जगह होंगी जो इस तरीके से है। बिल्कुल हाँ जी है, इस तरीके से है क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर हम पर्यटक के हिसाब से इस क्षेत्र को देखते हैं तो हमको ये समझ रखनी पड़ेगी कि हम इसको जितना साफ़ सुथरा रखेंगे लोग उतना ही यहाँ की खूबसूरती को देखने आएंगे, हम इसको गंदा रखेंगे तो ये लोग यहाँ से दूर भागना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, और इसमें सिर्फ हमारा ही रोल नहीं होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का ही नहीं, बाहर से आने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम जिस जगह को देखने जा रहे हैं कम से कम वहाँ पर हम कूड़ा ना फेंकें, और बल्कि उल्टा यहाँ से एक मैसेज दे। एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर जो है खुले में शौच क्या हुआ है सर? हाँ ये मैं आपको बता रही हूँ कि खुले में शौच किया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि हम स्मेल से यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लोगों के घर में अच्छे खासे टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज हम देखते हैं सुबह के टाइम में कि हाथ में बोतल लेके और दूर बस कहीं नहीं यहीं आके कर देंगे। तो इसीलिए मैंने कई बार बोला भी कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि भाई आप लोग यहाँ पे इस तरीके से ये क्यों खुले में शौच करते हैं, लेकिन वही है कि लोग मानते नहीं है, अपना सुबह उठे सुबह ही 5 बजे आके अपना यहाँ शौच कर देते। पढ़े लिखे लोग हैं मतलब। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक और कंप्लेंट आई है खुले में जो शौच हो रहा है यहाँ पर, और जबकि जो है जिला देहरादून या उत्तराखंड की मैं बात करूँ खुला शौच में जो है मुक्त हो गया है, लेकिन तब भी ये दिक्कत है। लोगों के घर में क्या है यहाँ पे टॉयलेट नहीं है क्या? सबके घर में टॉयलेट है। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि उनका ये मानना है, सब लोग नहीं जाते हैं, सब लोगों को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक एक आध फैमिली ऐसी देखिए जो यहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो हमने शौच का जो गड्ढा बनाया है वो भर ना जाए। बड़े चिंता है ये लोगों को, अपने चिंता का विषय है कि मतलब पता नहीं वो खुद कब उसमें जाएंगे, उसमें कौन जाएगा, लेकिन यहाँ पे खुले में जगह को आप इतना ख़राब कर रहे हैं। ओ तो धन्यवाद अमला जी हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और दोस्तों मेरा ग्राम पंचायत जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि इसके बारे में सोचें, क्षेत्र के कैंटोनमेंट से बाहर है तो कैंटोनमेंट इसमें मदद कर सकता है, लेकिन सोचना जो है क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को पड़ेगा और जहाँ पे बाज़ार के लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। इसमें सर एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे जो ये पुरोड़ी जगह है यहाँ पे इनकी एक समिति बनी हुई है। अच्छा। लेकिन समिति इस बारे में कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कर रही होती तो एक बहुत अच्छा ये लोग अपना एक मैनेजमेंट रख सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। बल्कि ये पॉलीथीन है, अगर ये इस्तेमाल भी अगर हम इस तरीके से इसको इकट्ठा कर रहे हैं तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ में भी इस्तेमाल होता है, इसकी ये रिसाइकल हो सकता है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि इस प्राकृतिक संपदा को जो है बर्बाद ना करें, यहाँ से जो इस चीज़ को जो है शहरों की तरफ ले जाएँ जहाँ जो है ये चीज़ जो आपने बताया ये सब कुछ होता है, कुछ छंटनी होती है, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग होता है, वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन पहले यहाँ से इसको हटाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमला जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छे पहलू पर आज बात करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।